पिछले एक महीने से प्रदेश भर में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक भी जारी है, जिस कारण मरीजों को खासी परेशानियां हो रही है। डॉक्टरों की एनपीए समेत 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। वहीं इन मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का बयान सामने आया है। शांडिल ने कहा कि सरकार डॉक्टरों का एनपीए बंद नहीं करेगी। आपदा के समय की स्थिति को देखकर फैसला लिया गया था, जिसे डॉक्टरों ने गलत समझा। डॉक्टर्स को हमने उनको अभी बुला भी रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है अभी एनपीए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद स्वयं मुख्यमंत्री के पास उनको लेके गया, समझाया कि ये जो बात कही गई थी, देखो जब त्रासदी होती है, आपदा आती है, तो मुख्यमंत्री के पास भी कोई और चारा नहीं होता कि कैसे न कैसे हम अपने, उन्होंने तो स्वयं भी आपने देखा अपने जो कमाई की उससे भी पैसे दे दिए, तो ये थोड़ा सा इस दिशा में कदम था कि हम कुछ परसेंटेज शायद कम करेंगे, परंतु मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रात दिन काम करते हैं, उनके एनपीए में या किसी भी कार की सुविधाओं में कोई कमी नहीं की होगी और उनको हम समझाएंगे और अपना काम करेंगे, ऐसा मेरा। सर, डॉक्टरों ने कहा है कि आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, तो उसको लेकर क्या सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे एक सरकार को एक प्रकार से दबाव बनाने की नीति होती है ना, कुछ एक तत्व होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो मांगे हैं वो सब जायज़ हैं और उन पर विचार किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी 7वें दिन ओपीडी के बाहर 2.5 घंटे ताले लटके रहे। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रही, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के 7वें दिन डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री यूं ही आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन विधानसभा सत्र में उन्होंने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इसीलिए इस बार डॉक्टर्स केवल आश्वासन से नहीं रुकेंगे। ये डेफिनेटली उन्होंने कई बार बोला, उन्होंने कि एनपीए को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने पहले भी प्रो डॉक्टर्स कहा कि एनपीए जो अधिकार है और मिलना चाहिए, परंतु उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन में यही जवाब दिया कि हमने इसको बंद कर दिया है, जो वहाँ पे आरटीआई मांगी गई थी, तो उनमें उन्होंने यही जवाब दिया कि डॉक्टर्स जो है ये इनका एनपीए बंद कर दिया, क्योंकि सरकार पे बहुत बोझ पड़ रहा है, 9 करोड़ रुपया सरकार बचा रही है इनका एनपीए बंद करके, तो करनी और कथनी में फर्क है उनकी, तो इसीलिए हम स्ट्राइक पे ही हैं। इससे यही संकेत देना चाहते हैं कि सरकार ने जो अंधेर गर्दी मचा रखी है, हमारे जो हक है उसको छीन कर उसको प्रकाश की तरफ लेके जाएं, और जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के मन में अंधेरा है डॉक्टर्स के प्रति, क्योंकि उनकी बार बार उनके मन में ये चल रहा है कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो उसको उनके मन में एक प्रकाश आए और सही डिसीजन लें। बहरहाल डॉक्टर्स ने अब साफ कर दिया है कि सरकार के झूठे आश्वासन से उनका प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।